हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे और बढ़िया ही होंगे। और बहुत दिन के बाद आज जाकर के मैं ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ दोस्तों, स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ प्रॉब्लम है दोस्तों, वो ईंट में मैं आप लोगों को बताऊँगा क्या प्रॉब्लम चल रहा है। पर्सनल लाइफ में तो डेली डेली ही मेरा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, और इस बार थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। इस वजह से मैं ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था, तो आज से फिर से कंटिन्यू करने के लिए मैं कोशिश करूँगा। और अभी मैं सज्ज होकर के रेडी हो गया हूँ, और इधर छोटा भाई भी, और इधर बड़े पापा भी, और मेरी बासंती भी। एक्चुअल में हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया काम में दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मैं एक्साइटेड में हूँ, मैं भी और बड़े भाई भी। नहीं, क्या बोल रहे हो? है छोटा मुँह से थोड़ा बड़ी बात कर दो। हाँ हाँ, बड़े भाई भी एकदम ऊपर से नीचे तक रेडी हो गए हैं। बड़े पापा फिर से पैर फिर धो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े पापा भी खुश हैं, और ये भी और मैं भी। और किस लिए जा रहे हैं, कहां पर जा रहे हैं, उधर पहुंचने के बाद ही आप लोगों को मैं बताऊंगा दोस्तों। फाइनली हम लोग हमारा डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं, और एक्चुअल में दोस्तों हम बजाज शोरूम आए हैं मेरा छोटा भाई के लिए बाइक खरीदने। नहीं, और अंदर भी गए थे, थोड़ा बहुत पूछताछ करके हम लोग फिर से बाहर आ गए हैं बाइक देखने, कौन सा बाइक हम लोग खरीदेंगे कौन सा नहीं। इधर अभी अभी अनलोड हुआ है, ये बाइक को धो रहे हैं, इसको भी देखेंगे। और इधर जितने सारे रखे हैं सब बाइक को हम लोग अच्छे से चेक करेंगे, जो बाइक अच्छा लगेगा वही बाइक हम लोग खरीदेंगे। नहीं, बारिश तगड़ा हो रहा था, बट अभी तगड़ा धूप दे रहा है, कैमरे की तरफ मैं नज़र नहीं डाल पा रहा हूँ। चलो देखो देखो देखो, सब बाइक को अच्छे से देखो, या फिक्स किए मन में है? फिक्स नहीं किए हो ना? बस बस वही जो मन में आएगा वही लेंगे, बस एडजस्टमेंट करके हम लोग नहीं लेंगे। चलो इधर सब 150 सीरीज नहीं, 125 सीरीज, इधर NS सीरीज नहीं, NS 160 ब्लैक रेड वेरिएंट। वाह, शेर जैसा ही दिख भी रहा है, लग रहा है नहीं, एकदम शेर जैसा ही दिख रहा है, लेकिन ओवर हाइट मुझे लग रहा है। मेरे से तुम्हारा हाइट थोड़ा ज़्यादा है, तुम्हारा पैर अच्छा पाएगा इसमें। मैं अगर बैठूँगा तो मेरा पैर अच्छे से नहीं पाएगा, क्योंकि ये देखिए ये बहुत ही लंबा है। और इधर तो 150 150 150, स्प्लिट सीट नहीं, सिंगल सीट नहीं, ये सब नया आया है। ये 2024 का या 23 का, ये पुराना मॉडल है। स्टिकर बेजिंग अच्छा नहीं लग रहा है ना, देखिए डिजाइन कर दिए हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है, स्टिकर भी ठीक नहीं लग रहा है। ये नया है, ये वाला अच्छा लग रहा है, बेहतर, हाँ बेहतर लग रहा है, सबसे अच्छा लग रहा है। चलो अंदर में थोड़ा देखते हैं, जो मन में आएगा वही हम लोग लेंगे दोस्तों, जो अच्छा लगेगा। इधर RS 200 खड़ा किए थे, बट वो RS 200 तो अभी अवेलेबल नहीं है, किसी ने लेकर चला गया है। अभी 220F या हाँ 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 220F, तो फाड़ू लगता है ये बाइक, मुझे अच्छा नहीं लगता है पर्सनली, बहुत ही लंबा बाइक है, थोड़ा शॉर्ट राइड बाइक अच्छा लगता है, शॉर्ट बाइक लंबा नहीं होना नहीं चाहिए। NS 160 NS 125, शेर का बच्चा है ये 25। हाँ हाँ, इधर बाप है, 160 बाप है, 125 बेटा है। चलो ये तो 150, हाँ 150 है, और ये N सीरीज ने बजाज पल्सर का सबसे हाई स्पीड प्रोवाइड कर रहा है, ये सीरीज N सीरीज। हाँ, इसमें है टॉर्क, BH क्या क्या बोलते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा पावर प्रोवाइड कर रहा है, टॉप स्पीड दे रहा है। चलो अच्छे से देख लेते हैं दोस्तों, थोड़ा कूल हो करके। क्या हुआ? चलो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, आराम से थोड़ा देख लेते हैं। किस वाला? बहुत भलो तो
ओके ओके ये बहुटा को नेले घरे बाड़ेबे ना कि सारी चाचा जितने लोग भी लेते हैं बाइक सभी लोगों को ही बोलते रहते हैं कि आपकी वाइफ को आप जितने ख्याल करते हो उतना ही ये बाइक को भी आप ख्याल दो। किसने फोन किया? चलो रहने देते हैं बाबू। बोल की देख ना बड़ा फा ना तथापि तो देखो आराम से देखो जो हेले भी हम हाँ। तो आंसी परबो बहुत भलो की खराब देखबो एकदम आंसी तो परबो कोई हाल किसी ने ये तू मुरवी आवाज मन लो हम तो कहिबो अभिज्ञता नहीं बाबू जेटा भल हो बहुत बढ़िया एग्जांपल दे रहे हैं। द लिस्ट दे दिए हैं टोटल। पहले कौन सा है? एवेंजर 160 स्ट्रीट BS VI का मीनिंग BS 7 या सिक्स? BS 6 है। 6 नहीं, हाँ हाँ हाँ। एवेंजर 220 भी है भाई। सिटी 110 प्लाटिना। स्पोर्ट बाइक के साइड जाएंगे हम। कहाँ से शुरू हुआ है स्पोर्ट बाइक? इधर से बस। हाँ इधर से नीचे का सर स्पोर्ट बाइक नीचे डोमिनार पर। ये आर्मी वालों के लिए, आर्मी वालों के लिए ये हाँ लॉन्ग जाने के लिए। हाई रेट कितना है? 1,200,000, 1,275,000, 6,300। स्टार्टिंग कितने से है? 1,200,000, 1,00,000। वेल यार तो ऑफिशियल काम पूरा फिनिश्ड हो गया। अभी पेमेंट के टाइम है। अभी भैया गिन रहे हैं दोस्तों। अच्छे से गिनो। वन टाइम में कितना सारा पैसे जा रहा है? चलो गिन लेते हैं। मैं भी थोड़ा गिन लेता हूँ दोस्तों। भैया गिने हैं एक बार, फिर भी और एक बार गिनना चाहिए दोस्तों। गलती से अगर इधर उधर हो जाएगा तो इधर एक मोबाइल रख देते हैं। न्यू बाइक को चूज कर लिया है और फाइनली आप लोगों को दिखा रहा हूँ दोस्तों। रिवेलिंग कर रहा हूँ। ये नहीं है, इधर ये रहा देखिए प्लाटिना। सॉरी यार ये भी नहीं है। इधर देखो पल्सर पल्सर NS पल्सर 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 पल्सर। एक्चुअल में हम जो बाइक को चूज किया है वो बाइक अभी टेस्ट ड्राइव में लेकर गए हैं भैया। और इधर का क्या बोलते हैं दोस्तों याद नहीं आ रहा, जो भी है बट टेस्ट ड्राइव करने के लिए गए हैं। देख रहे हैं कैसा भाग रहा है कैसा नहीं। जब लोड कराएंगे तब आप लोग को दिखाऊंगा। छोटा भाई और वो इधर का राइडर शोरूम का बड़े पापा और मैं, हम दोनों मिल करके वेटिंग कर रहे हैं। और कुछ समय होने के बाद बड़े पापा न्यू बाइक में बैठ कर जाएंगे। नहीं हैं? हाँ हाँ भैया राइड करके आ गए हैं। और ये रहा दोस्तों न्यू बाइक जो हम लोग ले रहे हैं पल्सर 125 ब्लैक ब्लू ब्रांड का। नहीं कैसा लगा? अच्छा लगा ना, बढ़िया। अच्छा नहीं पूरा बढ़िया एकदम नेक्स्ट लेवल बेस्ट लेवल ऐसे बोलो। हाँ चलो एकदम सेम टू सेम मेरा वाला जैसा है ये भी वैसा ही है बट थोड़ा सीसी में डिफरेंट है और कुछ नहीं। ये 125 है और वो 150 है। और मेरा रेड वेरिएंट है, ये ब्लू वेरिएंट है। दिखने में मस्त लगता है इसी वजह से हम लोग ले रहे हैं। मैं भी लिया और छोटा भाई भी ले रहा है। नहीं चलो।
वेल यार, तो फाइनली न्यू बाइक लेकर हम लोग वापस घर आ गए हैं और थोड़ा गांव देहाती एरिया में जैसे पूजा करते हैं वैसे थोड़ा पूजा पाठ कर रहे हैं। और मैं हमारा घर आ गया हूँ, बेडिंग फेडिंग सब कुछ रेडी कर लिया हूँ। इधर देखिए ये रहा, और पापा उधर सो गए हैं दोस्तों, शायद दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो रहा, पूरा दो तीन दिन हुआ हम लोग पास पास में सो रहे हैं, नहीं तो पहले से इधर में सो रहा था, ये दूर के सामने पूरा थोड़ा डिस्टेंस में, इसलिए आजकल हम लोग थोड़ा पास में सो रहे हैं, क्योंकि डेली डेली ही एलिफेंट हमारा एरिया में घूम रहे हैं, डेली डेली ही रात के समय गांव के अंदर घुस रहे हैं, इसी वजह से पास पास में ही सो रहे हैं। और साथ में कुछ नया जंगली जानवर को भी हमारा जंगल में छोड़ दिए हैं, वो सबका डर भी है दोस्तों। जानवर का नाम क्या है मुझे पता नहीं है, बट न्यू टाइप्स के जानवर कुछ छोड़ दिए हैं, कुत्ते जैसे दिखते हैं, गैंग होकर के घूमते हैं, इसे कुछ लोग सब बोल रहे हैं। और तब मैं आप लोगों को बोल रहा था ना, पर्सनल प्रॉब्लम चल रहा है। एक्चुअल मैं बाप बेटा हम दोनों मिल करके हल करने के लिए गए थे, उधर से जब हम लोग लौट रहे थे तब हमारा पतलू ने पापा का पैर को मार दिया और एक अंगूठा पूरा फट गया था, 400-500 ग्राम ब्लड इंस्टेंट निकल गया, 400-500 ग्राम दोस्तों। ऐसे ही सरकारी अस्पताल में हम लोग ट्रीटमेंट किए और अभी पूरा ठीक हो गया है दोस्तों, बट एक नाखून नहीं रहा। और जो ज़मीन का प्रॉब्लम चल रहा था वो भी मेरे हिसाब से मुझे तो लग रहा है शॉर्ट आउट कर लिया हूँ, बट देखते हैं आगे और भी ऐसे कब्जा कर सकते हैं, बट मुझे लग रहा है कि और कब्जा नहीं करेंगे, क्योंकि इसी बीच में बहुत कुछ हो गया है दोस्तों, सब मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। तो ठीक है, और हम ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, आज का छोटा सा ब्लॉग को इतना में हिट करते हैं। आप लोग बिंदास रहो, एंजॉय करो, और यही दुआ है भगवान को कि आप सबका लाइफ अच्छे से बीते। तो बाय बाय दोस्तों।